हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे 18 अगस्त की रेस है हैदराबाद। पहली रेस 1:55 पे, आखिरी रेस 4:50 में। मेजर इवेंट भी है, सूरज जग से सभी देखने को मिलेंगे और इमरान चिश्ती भी काफ़ी टाइम बाद दोबारा से, अब बीच बीच में गायब हो जाते हैं इमरान चिश्ती साहब, मेरे ख्याल से इन्हें भी ट्रेनर बन जाना चाहिए। और पहली रेस में आ जाते हैं, पहली रेस यहाँ पे 1400 मीटर क्लास 4 की है और यहाँ पे जो मैं पिक लेके चलूँगा, 5 नंबर लेके चलूँगा पहले यार, 5 नंबर लास्ट टाइम अमेरिकन फ्लेम अक्षय कुमार ने बहुत बढ़िया, जिसे मैं कहता हूँ, राइड किया और 16 घोड़ों में 14 नंबर का ड्रॉ था। तो उसके बाद भी घोड़ा काफ़ी मैनेज करने के बाद में पौने 3 लेंथों से घोड़ा जीता था 59 किलो में, 6 किलो का वेट का एडवांटेज यहाँ पे दिख रहा है और अक्षय कुमार से अक्षय कुमार जा रहा है जॉकी, तो एटलीस्ट बोर्ड में तो रहना चाहिए। भाव भी मेरे ख्याल से 2-2.5 रुपये के आसपास होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 1 नंबर है जस्ट इनक्रेडिबल, ये घोड़ा यार क्लास 3 जीता हुआ है किसी टाइम पे, और अब इस सीजन 3 रन लिए हैं घोड़े ने स्टील में रफीक के नीचे। अब इमरान चिश्ती बैठा दिया, सूज चेंज कर रहे हैं यहाँ पे, एलमोनियम कर रहे हैं, तो ये घोड़ा यार बिल्कुल बनता है। बट थोड़ा सा मुझे 1 नंबर पर सिर्फ ये डाउट है कि एस श्रीकांत जी का 4 नंबर भी है इंडियन टेम्पल, इस घोड़े के भी सूज यहाँ पे चेंज कर रहे हैं स्टील से एलमोनियम कर रहे हैं, तो बाकी मुझे रेस यार 5 और 1 में ही समझ आ रही है, अमेरिकन फ्लेम और 1 नंबर जस्ट इनक्रेडिबल। सेकेंड रेस में आ जाते हैं, 1200 मीटर की रेस है, 3 ईयर ओल्ड ओनली और काफ़ी घोड़े हैं यार इस फील्ड में। बाकी मैं पहले पिक लेके चलूँगा 5 नंबर एरियन वन, लास्ट टाइम फेवरेट था इंपीरिया के साथ में, सेकेंड हुआ था हिंदू सिंह बैठा हुआ था, फर्स्ट रन था 11.5 लेंथों से गुड सेकेंड हो रखा है। और इंपीरिया मतलब अगर मैं बात करता हूँ इस घोड़े को इंपीरिया के आगे फेवरेट करा हुआ था, क्यों करा हुआ था ये तो मुझे नहीं पता, बट यस कहीं ना कहीं पे अब लास्ट रन जिस हिसाब से मैं कहता हूँ कि पहला रन से पता चल जाता है, तो पहला रन सुपीरियर कह सकते हैं क्योंकि इम्पीरिया इससे तो ऊपर का ही घोड़ा था यार, काफ़ी अच्छी फील्ड देखी थी इसने। उम्मीद करते हैं अब इस घोड़े को तो कहीं ना कहीं पे बेनिफिट है और पोटेंशियल भी लास्ट टाइम दिखाई है इस घोड़े ने, तो मुझे लगता है ए संदेश बैठा दिया है, बिल्कुल बनता है, 1 नंबर का ड्रॉ है। बाकी क्लारा है, एलिगेंट लेडी है, रोल्स रॉयस है। दूसरा पिक मेरा 3 नंबर रहेगा, प्लीसेंट स्टार अक्षय कुमार, 11 नंबर का ड्रॉ है, मोक दे रहे हैं घोड़े को, तो मोक भी मैं कंसिडर करते हुए लेके चल रहा हूँ, तो अक्षय कुमार के नीचे उम्मीद करते हैं इन दोनों में रेस देखने को मिले। रेड नोटिस है, इसको भी मोक दी गई है घोड़े को। थर्ड रेस में आ जाते हैं, द तेलंगाना एंड आंध्रा सब एरिया कप है और यहाँ पे जो मैं ये रेस जो है 1-2 के बैठे हैं, तो 7 घोड़ों में यार पिक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिलहाल 2 नंबर की अगर मैं बात करता हूँ, इस घोड़े ने सभी को बीट किया हुआ और कंटिन्यू परफॉर्म कर रहा है, तो 2 नंबर ही सिंगल पिक लेके चलूँगा, ह्यूरिकेन बे अफरोज खान, 5 नंबर का ड्रॉ है, 4.5 किलो की पेनल्टी जरूर है बट लास्ट रन के हिसाब से अगर मैं कहूँ तो काफ़ी इंप्रेसिव जीता था। बाकी त्रिशूल है, 80-10 बार से अक्षय कुमार बैठा दिया, हीरोकेन बे के साथ में ही भागा था लास्ट टाइम, 5वां हुआ था, ठीक है। बारबेट है, एल्पाइन गर्ल गुड सेकंड हुआ था हीरोकेन बे के साथ में, तो जैसा मैंने बताया हीरोकेन बे ने ऑलरेडी बीट किया हुआ है सभी को। तो बाकी इसके बाद आ जाते हैं चौथी रेस में, 1600 मीटर की रेस है क्लास 2 की और यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ पिक, मैं सबसे पहले 12 नंबर को लेके चलूँगा एल्पनर, क्लास 2 तक ये घोड़ा यार मुझे लगता है कि क्लास 3 में तो शायद ये काफ़ी लोअर ओल्ड जिसे कहते हैं मेरे ख्याल से, यहाँ पे अगर खुलता तो 40, 50 या 60 पैसे खुलता हैदराबाद के हिसाब से, बट क्लास 2 में शायद इस घोड़े को ओल्ड मिल जाए यहाँ पे इवन के आसपास या जो भी है, तो बनता है घोड़ा यार मेरे हिसाब से, तो फील्ड तो काफ़ी अच्छी देखी हुई है, अब देखते हैं हैदराबाद कैसा सूट करता है। एक बार जमारी को बीट किया था बस, वो भी सूरज नायडू के नीचे, उसके बाद से घोड़ा अगर मैं देखूं तो मेरे ख्याल से स्ट्रगल ही कर रहा है अक्षय कुमार के नीचे। अब उम्मीद करते हैं एक बेटर रन देखने को मिले, अभी बेंगलोर में घोड़े को मोक दिया ट्रेवर ने और अभी यहाँ पे अक्षय कुमार बैठ गया हैदराबाद में, देखते हैं कैसा रन देता है। और दूसरा घोड़ा मैं अगर यहाँ पे बात करता हूँ तो जो मुझे समझ आ रहा है ये 3 नंबर ग्रेट गन्स, ये यार डिस्टेंस का घोड़ा, अगर ऊपर के रन अगर आप देखोगे 1600 मीटर क्लास 2 जीता हुआ है पीसाई कुमार के नीचे, फिर उसके बाद में हाई कमांड के साथ में गुड सेकंड, अभी 1200 बगाया था लास्ट टाइम मैं इसके लिए, जैसे टॉप हॉर्सेज ऑन फील्ड में बताता हूँ कि डिस्टेंस शॉर्ट पड़ेगा, तो डिस्टेंस शॉर्ट ही पड़ा यार, 8 घोड़ों में मतलब 8वां निकला था, 8वां ही रहा मिस माया के साथ में,
तो घोड़े ने कुछ परफॉर्म तो किया नहीं, बट डिस्टेंस कहीं ना कहीं पे अब सुटेबल डिस्टेंस में जा रहा है, तो इसलिए मैं 3 नंबर पिक लेके चल रहा हूँ। यहाँ पे ग्रेट गन्स एल्पनर को बीट कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और इसके बाद आ जाते हैं मेजर इवेंट, द निजाम्स गोल्ड कप ग्रेड टू की रेस है 2000 मीटर। और यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो घोड़े तो हैं, एक बार यार जब मेजर रेसें होती है तो मैंने आपको हमेशा बताया कि रेस देखने वाली होती है और सभी घोड़ों की थोड़ी थोड़ी बात जरूर करेंगे, ये मेरी हैबिट भी है। 1 नंबर टच ऑफ ग्रे मेरे ख्याल से सिंगल ही घोड़ा दिख रहा है वैसे तो, अगर मैं बात करता हूँ आप बुक के हिसाब से डे बेस भी दे रहे हैं, बनता भी है। और अभी बेंगलोर में 2 रन लेके आया घोड़ा, ठीक है। और अगर मैं औरों की बात करता हूँ तो मिस्टेरियस एंजल एक अपसेट में आप देख सकते हैं, बाकी टफ है। यहाँ पे यूज कैपेट भी आप माइनर, मतलब अगर SHP हो जाए तो ठीक है। रेमिल है ये घोड़ा, थोड़ा सा अगर मैं इसकी बात करता हूँ, भरत सिंह जी का घोड़ा है एंटनी राज के नीचे, और एंटनी राज मैंने देखा है हैदराबाद में, मतलब जो बड़ी रेसें होते हैं उसमें राइडिंग बड़ी सुपीरियर रहती है लड़की की। बाकी हुड ऑन कर रहे हैं इस, मतलब घोड़े के साथ में कुछ इक्विपमेंट चेंज कर रहे हैं, हुड ऑन कर रहे हैं, तो ये घोड़ा यार बिल्कुल यहाँ पे सरप्राइज के लिए हिसाब से आप देख सकते हैं, है ना। पहला घोड़ा मैंने 1 नंबर तो सिलेक्शन में ले ही लिया है, बाकी दूसरा घोड़ा ये रेमिल, और 5 नंबर पैसिस आपका चेमेनिक्स, क्या पढ़ते हैं इस घोड़े को यार, कोई एमेनिक्स सेमेनिक्स तो नाम में बड़ा वो है मेरे को। बाकी सीयूमेज बैठा दिया है, अपसेट के हिसाब से आप, मैं इसे के कंसिडर कहूँगा, बाकी मुझे विन के हिसाब से तो अभी भी डाउट है इस पे। 6 नंबर है ज्योग्राफी क्यू नीरज रावल के नीचे, ये भी माइनर आप देख सकते हैं। बाकी 7 नंबर वेस्ट ब्रुक, ये घोड़ा है जो अक्षय कुमार, जिसको बहुत, मतलब इस घोड़े को बहुत बढ़िया जज कर रहा है अक्षय कुमार, और मेरे हिसाब से बहुत अच्छी फील्ड देखी हुई है हैदराबाद में भी, लिवर मोर के आगे फाइनल एंट्री, टच ऑफ ग्रे के आगे ऑलरेडी गुड सेकेंड लगा हुआ है 1600 में, तो फिर अभी बेंगलोर 1600 जीत के आ रहा है, तो मुझे लगता है टच ऑफ ग्रे के साथ में वेस्ट ब्रुक की एक बैटल देखने को मिलनी चाहिए, क्योंकि 7 नंबर का वेट का बड़ा, मतलब एक एडवांटेज है, सिर्फ अक्षय कुमार अपना ही, मतलब सिर्फ जॉकी का वेट जाना है घोड़े पे। बाकी रेमिल है जो मुझे तीसरा घोड़ा समझ आ रहा है इन दोनों के बाद में, सारे घोड़े बता दिए उसको स्किप करो माइंड से, बाकी 1, 7 और उसके बाद रेमिल मुझे थोड़ा सा दिख रहा है कि अपसेट में, बाकी इन दोनों में रेस होनी चाहिए यार, टच ऑफ ग्रे और वेस्ट ब्रुक 7 नंबर। उसके बाद 6ठी रेस 1400 मीटर की है, ये भी यार काफ़ी टफ रेस है, सिंगल पिक लेके चलूंगा। क्लियर लास्ट टाइम सूरज बैठा हुआ था, फ्रंट निकला था और चौथा हो गया था लास्ट टाइम। इंसिडेंट इंसिडेंट कुछ ऐसा खास तो हुआ नहीं, बट मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे लास्ट 100-150 मीटर में घोड़ा चला ही नहीं। खैर कुलदीप सिंह बैठा दिया है, 1400 मीटर जाना है, फील्ड जैसी भी थी लास्ट टाइम फ्रंट रनर है, मुझे लगता है एक बेटर रन यहाँ पे देखने को मिलना चाहिए। बाकी असु गजराज है, इसमें भी कुलदीप सिंह ने लास्ट टाइम यार मुझे लगा नहीं कि राइड करी है, मतलब हाथ छूट गए, क्राउन विंडनेस है, सरप्राइज कर सकता है, 2 बारी स्लो निकला है, और पी साई कुमार के नीचे, ये सबसे इस फील्ड में अगर मैं बात करता हूँ सबसे अपसेट कह लो या कुछ भी कह लो यार, ये घोड़ा भाव में तो इसको लेके चलो ठीक है, क्योंकि ये कभी भी सरप्राइज कर सकता है। गोल्डन इंजो इमरान चिश्ती बैठा दिया है, और क्लब क्वीन नहीं फेडरर लास्ट टाइम काफ़ी क्लोज फोर्थ हुआ था एम्पर्स टच के साथ में, वंडिंग वॉरियर भी है स्टील से एलमोनियम कर रहे हैं। बाकी सिंगल पिक 1 नंबर क्लियर कुलदीप सिंह, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ हैदराबाद के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक और ऑल द बेस्ट मेरे भाइयों, इसके बाद आप सभी से मिलते हैं दोबारा, शायद हैदराबाद की रेस है 19 अगस्त को, ठीक है, बाय, टेक केयर मेरे भाई, बाय 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 बाय।